रिलैक्स। मुझे सब पता है कौन कौन कहाँ कहाँ छिपा है, लेकिन सबसे पहले मैं ढूंढूंगा हिमांशी को, क्योंकि हिमांशी को तो मैं सूंघ के पहचान लूंगा। और हिमांशी छुपी है अलमारी में। अबे यार तू तो बड़ी बेताब हो रही है। अरे यहाँ और लोग भी तो है, बे हटना यार। हिमांशी तू तो बड़ी भरी बैठी है, बे हट। देख मैं लास्ट बार कह रहा हूं, हट जा वरना मैं भी तेरे चिपट जाऊंगा। अबे हटना। ये कोई टाइम है आने का? इतनी देर का लगा दी, इससे बढ़िया तो आता ही मत। इससे बढ़िया आता ही मत है, उल्टा जाओ उल्टा जाओ। अरे मेरे चप्पल की बद्दी टूट गई थी यार, 10 रुपया तो इसमें लगवान में वेस्ट हो गया मेरे। तो तू नई चप्पल क्यों नहीं ले लेता? नई चप्पल पहनूंगा ना तो वो भी टूट जाएगी। साइड हट चल। मुझे पता है तुम लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आ रहा है फिर तो सॉरी ना यार भाई, लॉकडाउन के चक्कर में मेरा दिमाग फिर गया था। सरकार ने इतनी मुश्किल से लॉकडाउन खोला है ना, अब सारे भाई मिलकर पार्टी करेंगे और धुम्मा उठा देंगे। अरे सर 2 घंटे में कैसे दे दूं प्रेजेंटेशन? सर, 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 यार लिटरली नर्क में हूं मैं, जान खा रखी है इस जॉब ने। ओ शिट यार, तेरी किस्मत कितनी ज्यादा फूट रखी, तू अभी भी वो टॉक्सिक जॉब करता है क्या? तेरे भाई की देख, एक बार बस MBA खत्म होने वाली है मेरी, अभी एक असाइनमेंट ही तो कंप्लीट करके आ रहा हूँ, फिर देखियो भाई क्या सेक्सी जॉब लगेगी ना, तू देखता रह जाएगा। MBA? पर तू तो जॉब कर रहा था, जॉब करते करते MBA कैसे कर ली? अबे तू 1950 में जी रहा है क्या यार? ये देख भाई, ये देख, अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर, तू जॉब करते करते साइड में कोई सा भी MBA, मास्टर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है, वो भी IIT मद्रास, IIIT बैंगलोर, लिवरपूल, जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी और माइका जैसी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। भाई मैं भी बहुत ज्यादा दुखी था यार अपनी पुरानी जॉब से, तेरी कसम अपग्रेड ने मजा बांध दिया। और यहाँ तो डिग्री ले सकता सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके, और भाई यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से 1-on-1 इंटरेक्शन और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। बेटे नाम की डिग्री ना है, यहाँ पे काम की डिग्री मिलती है। एक बार तू यहाँ से MBA कर ले, तेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी भाई। यार ये तो बड़ी सही चीज बता दी यार तूने, है ना? वो सब तो ठीक है, पर तेरी तो चप्पल टूटी पड़ी है। चप्पल टूटी पड़ी है तो तेरे मार मार और तोड़ दूं क्या? यार गाइस हम लोग इतने दिनों बाद मिले और तुम दोनों ने फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा एक काम करो, तुम लोग रिलैक्स करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना के लाती हूँ। खाना बनने में 5 मिनट लगेंगे, तब तक मैं तुम सबके लिए सैलड बना देती हूँ। ओके सही जगह तो जा रही है, सारा दिन तो रसोई में घुसी रहती है। चल चल चल। एल्विश तेरी सोचना हमेशा छोटी रहेगी, मैं किचन में घुसी रहती हूँ, मैं वॉशरूम भी साफ करती हूँ, तू थोड़ी ना जबान संभाल के बात किया कर। और तू यार, गाइस तुम लोग कितने बोरिंग हो यार, अब तो मेरा गला भी सूख रहा है, तुम्हें नहीं लगता मैं लिटिल लिटिल? लिटिल लिटिल क्या क्या लिटिल लिटिल? यार एक एक कप चाय हो जाए तो गर्माहट सी आ जाएगी, और वो सैलेड काटने गई है तो मुझे बोल देती हूँ चाय भी बना देगी। ओ शिट यार, पूरा मूड खराब कर दिया, दूध पीते बढ़िया, चाय पिलाएगी अब यार। शिट चल, सैलेड काट रही है तो चाय भी बना दियो। चाय तो मैं बना दूंगी, पर तुझे नहीं लगता तू एल्विश के कुछ ज्यादा क्लोज जा रही है? मैं एल्विश के क्लोज क्यों जाऊंगी? नहीं लगा मुझे। तुझे लगा तो मैं उसके क्लोज जा रही हूँ? मैं तुझे सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ, अगर तू उसके आसपास नजर आई ना तो क्या? तो आ! ओ शिट, तेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है, मैं तेरे लिए बैंडेज लेके आऊं? नहीं, खून पसंद है मुझे। ओके मन तो करता है इसका मर्डर कर दूं।
वैसे यार सच्ची सच्ची एक चीज बताना, तुम लोग मेरी तरक्की से जलते हो ना यार, है मेरी लड़की पटाने की स्किल से। अरे भाई यार ये मेरे दादा लाई चीज है, मेरा दादा भी ऐसी छोरी पटाई करता, मेरा बाप भी ऐसी छोरी पटावे, हम भी ऐसी छोरी पटाएंगे, तुम खोज सको क्या? तुम्हारे पास कि तुम पटा लो, है दम तुम्हारे अंदर है? या एल्विश मुझे तेरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, दो मिनट साइड में आएगा? साइड में चलना है, साइड में चलना है, पुणे में लेके जा रही है, ठीक है? ये होती है स्किल्स, आई शक मत करना आज के बाद, हट चल हट, चलो चलो चलो। भाई कुछ तो गड़बड़ है, चले यार बता तो सही, तेरे को क्या इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है? तेरे को फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की बात करनी है ना, है ना, है ना, है ना? यार एल्विश जो तेरी गर्लफ्रेंड है चाहत, वो पागल वागल है क्या? पता उसने भी क्या किया है? यार पागल तो वैसे है, पर अब क्या कर दिया उसने? यार सैलेड में कच्चा आलू कौन काटता है? कच्चा आलू खिलाके अभी कब से करवाएगी? ये तेरी इंपॉर्टेंट बातचीत थी यार, मुझे तो लगा तू कुछ ओयो ओयो की बात करेगी। भाई मैं तेरे चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा भी दे सकता हूँ, सुन तो ले एटलीस्ट। पागल है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये कोई बात थोड़ी होती। यार तू हिमांशी को इतना पसंद करता है तो उसको जाके बोल क्यों नहीं देता भाई? बोल दूंगा ना बाद में। आज तो तू ये फूल भी ले रहा है, भाई जाके उसको फूल दे दे ना, तो हरामी एल्विश उसको भी सेट कर लेगा। देख भाई कुछ फूल ना देने के लिए नहीं, सिर्फ कुचलने के लिए बने होते हैं, और अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होने दूंगा। पार्टी करेगा? हाँ करेंगे ना पार्टी, चल पार्टी। आए हाय, तुम लोगों ने कैसी कुत्तों जैसी शक्ल बना रखी है यार। हम लोग लॉकडाउन के बाद इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, इतना बोरिंग सा माहौल बना रखा है। एक काम करते हैं, इसको ना ठीक करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। बताओ कौन सा गेम खेलोगे? ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। नहीं यार छुपम छुपाई खेलते हैं। नहीं यार बैट बॉल खेलते हैं। ओ ऐसा क्या है बैट बॉल में? और तुझे क्यों खेलना बैट बॉल? एक बॉल के पीछे 11 लड़के, मजा ही आ जाता है। नहीं बैट बॉल नहीं, छुपम छुपाई खेलेंगे, और अगर तुझे खेलना है तो वो रहा दरवाजा, बाहर ग्राउंड है, जा जाके खेल ले। यार तुम लोग तो छोटी छोटी बातों में गुथने लगते हो यार। एक पहली बात तो चक्कू इधर दे, चक्कू इधर दे। ये इतनी डेंजर चीज है, इसको तुम ऐसे ही लेके घूम रहे हो, पता इससे क्या क्या हो सकता है? इससे कुछ भी हो सकता है, इससे किसी का खून भी हो सकता है, समझ रहे हो? किसी का खून भी हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अगर किसी को चाहिए हो ना तो भैया यहाँ से उठा लेना। अब बात करते हैं गेम की। तो हम खेल रहे हैं छुपम छुपाई, और छुपम छुपाई का तुम रूल सुन लो। कोई रूल नहीं है, कोई कहीं भी छुप सकता है, कोई किसी को भी ढूंढ सकता है, और कोई कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो गाइस अब छुपम छुपाई स्टार्ट करते हैं। लाइट्स ऑफ। मुझे सब पता है कौन कौन कहां कहां छुपा है। ओ यहां तो कोई नहीं है, लेकिन फ्रिज के पीछे जो है वो संभल जाए, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है। पहलिया। ओह यहां तो कोई नहीं, यहां भी कोई नहीं, इसका मतलब रिलैक्स। मुझे सब पता है कौन कौन कहां कहां छिपा है, लेकिन सबसे पहले मैं ढूंढूंगा हिमांशी को, क्योंकि हिमांशी को तो मैं सूंघ के पहचान लूंगा, और हिमांशी छुपी है अलमारी में। चढ़ जाना मेरे ऊपर। तो लास्ट तने देखी सबसे पहले? अरे सर मेरी डाइन थी तो मैं ही देखूंगा ना। तो ये नाक के रहते तो पहुंच ले। अबे तू नू बता, तेरे इतना पहना शरीर है तो चक्कू ते मारने की का जरती? क्या हाथ से मार देता है? और सर मैंने ना मारी। ओके बेटा बता बता बता, तेरी कसम काई ना बताऊंगा, होटल में कवाऊंगा और रसीन वसीन गल फोटो खिंचवा दूंगा। बोल सर मैं क्यों मारूंगा उसको, सर मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त थी वो। अरे यार कोई बात ना, तेरी उम्र में हमने भी खूब मारी, बता फटाफट। अरे सर आप पागल वागल हो गया है, जब मैंने एक बार कह दी मैंने नहीं मारा उसको तो मेरे मुंह से निकलवा दोगे क्या दो बार आप? हाँ मुंह से तो निकलवा लेंगे, अगर तुम मुंह ना खोलोगे ना तो और कहीं तो निकलवा लेंगे।
क्योंकि हम तो सख्त पुलिस वाले हैं ना, हम तो तुमसे कहीं से भी निकलवा लेंगे। कोई बात ना, कितने जने हो तुम? एक, दो, तीन, चौथा कहाँ है? रेड कलर नॉट अलाउड माई लाइफ, नफरत है मो लाल रंग से। लेकिन तेरी बिल्ली जैसी आंख मो बहुत पसंद आई। एक बात होता, तेने चक्कू तक क्यों मारी? इन बिल्ली जैसी आंखन तो डराके मार देती। मैं क्यों मारूंगी उसको, मैंने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी है। ओ यू के जरूरी थोड़ी आदमी मारने तो पहले मक्खी मारा है, जरूरी है कहीं लिख रखो? बता 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 क्यों मारी, बोल क्या मारी? नहीं मारा मैंने। ओ कोई बात ना, मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, उत्तम में तो ये एक है, और कौन है मैं बताऊं? यू है। चल फटाफट बता क्यों मारी। सर मैंने नहीं मारी। अ तेरी बांध के। एक बात बता, मेरा बीपी बढ़ रहा है यार, घर से बहू को फोन आ रहा हूँ, सब्जी मंगा रही है, मैं कहाँ से सब्जी लेके जाऊँ? माँ कसम यार बता दो तुम, और मेरा बीपी बढ़ गया ना, ऐसी कनपट्टी लाल कर दूंगा तुम्हारी। फटाफट बता, बता रहा। सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर, इसने मारी है। सर मैं बताता हूँ उसने क्यों मारी है, और जब मर्डर हुआ था ना ये उधर गया भी था। सर ये लड़की इसकी जीएफ है, और इसे वो लड़की पसंद थी। सर इसे ना सारी लड़कियां पसंद है, और जो इसे हानि करती ना ये उसे मार देता है। सर मैं बताता हूँ इसने कैसे मारी होगी, ये ना उसके पास गया होगा। हिमांशी तू यहाँ क्यों छुप रही है? मेरे दिल में छुप जाना, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी पता ना लगेगी। एल्विश किसी अजीब अजीब बातें कर रहे तू, जल्दी बता मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी हाँ या नहीं? नहीं यार पागल है क्या? पागल हूँ मैं है? है? पागल हूँ मैं, पागल आदमी फिर तो कुछ भी कर सके है ना, पागल आदमी तो कुछ भी कर सके है ना, है? है? नहीं कर सकता सर, मैं नहीं कर सकता यार, ये झूठ बोल रहा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी सर वो, मैं नहीं मार सकता उसको। अरे तब तू ना मारेगा तो फिर किसने मारी है? सर मेरे को तो लगता है चाहत ने मारी होगी। सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये जड़खोरी औरत है सर, ये इतना जलती थी ना, मतलब सब पे शक करना, खासकर मेरे पे, किसी दूसरी लड़की पे, इसको हिमांशी में भी शक हुआ होगा और इसने उसको मार दिया होगा। मैं बताता हूँ सर क्या हुआ होगा, ये ना वहां गई होगी और हिमांशी मैंने तुझसे कहा था ना एल्विश से दूर रहने के लिए। मैं तो एल्विश से दूर ही रहती हूँ, मेरी तो अलमारी भी दूर है उससे। और अगर पास आ गई तो? मैं पास क्यों जाऊंगी, मैं आने भी नहीं दूंगी। ओए वाह बेटे वाह, रेड कलर मौज कर दी। एक काम कर फटाफट थाने में फोन कर दे, लेडीज पुलिस बुलवा दे, बुलेरो बुलेरो भल के आ जा, और या उठा ले जा, वे लेके तो ठीक है, नहीं हम तो ले ही जाएंगे। यार इस बॉस ने भी दुखी कर रखा है। अब छोरी नू बता फटाफट, तैने क्यों मारी? कहा ना मैंने नहीं मारा, और वैसे भी आप भूल रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती, और आज तक मैंने कोई मक्खी तक नहीं मारी है। बस बस एक डायलॉग रिपीट मत कर, डायलॉग तू नुकाएगी फिर हम नुकेंगे, उसी तरह ही चलती रहेगी, हमें यूं बिल्कुल ना चाहिए। तू सही बता दे क्यों मारी तेने? मैंने नहीं मारा। ना मारी तेने? कोई बात ना, ना मारी तो किस पे शक है? इसने इसने मारा होगा। मैंने ना मारी, मेरे पे तो कोई रीजन ही ना मारने का। पर यही तो बात है सर कि इसके पास कोई रीजन ही नहीं है, ये साइको है। सर मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा, ये वहां गया होगा और ओए तू यहाँ क्यों छुप रही है? और कहाँ छुपूं? तू ना एक काम कर, तू मर जा। अबे मैं क्यों मर जाऊं? नहीं तू मर जा। कहाँ जाऊं सर मैं, कहाँ जाऊं? वो तो मेरी बहन की तरह थी सर, और एक भाई का अपनी बहन को मार सकता है क्या? ओ बहन के भाई, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे बहनन को मर्डर करते हुए। अरे तैने ना करो तो फिर किसने करो? सर मैं बताता हूँ किसने मारी। वो इसने मारी सर, इसने मारी, ये ना उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था सर, मैं पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा, पूरी पोल पट्टी, ये उससे बहुत प्यार करता था, ये मेरे को कह भी रहा था कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, एल्विश इसके बीच में ना आ जाए इसलिए मैं इसका कत्ल कर दूंगा। सर इसने मारी होगी, ये वहां गया होगा और मैंने तुझे ढूंढ लिया आई स्पाइस। एल्विश नहीं है साथ? एल्विश क्यों होगा मेरे साथ? क्यों, तुम दोनों को तो साथ होना चाहिए ना। यार शार कैसी बातें कर रहे तू? देख तू अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, बता होगी मेरी? नहीं नहीं तो किसी की नहीं होगी। सर मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। सर आप भी तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते होगे, आप मार दोगे अपनी बीवी को? ओए मेरे बीवी वाला गन तक क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों मारूंगा भाई, अपनी बीवी है, और वैसे भी मेरी बहू यहाँ गुड़गांव में काम किया, अड़े कड़े करके बोला है, वो बातन में तो जीतन ना दे, मैं कैसे मार दूंगा भाई।
देख ओए मेरी फैमिली तक जाने की जरूरत ना, चुपचाप बता दो किसने मारी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फटाफट जो तुम्हें फिल्म बनानी है फिल्म बना ली और मैंने वहां को एंड देख लियो, अब फटाफट बोल दो। देखो सर मेरी बात सुनो, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैंने मर्डर नहीं कर रखा, ठीक है? इन तीनों का मुझे पता नहीं। ओ भाई ठीक है रे, ठीक है, देखो यू अपनी औरत साफ है, यू अपनी गारंटी ले रहो। अरे भाई एक बताता, तेने न मारी इनने न मारी तो कोई हमने मार दी? बिल्कुल हो सके, बिल्कुल हो सके भाई, यार वैसे भी सकलता है, पुलिस वाला थोड़ी लगा, डाकू लगे। भाई मैं सारी प्लानिंग समझ गया, भाई मैं सारी प्लानिंग समझ गया, इस पुलिस वाले की है सारी गलती, इसने मर्डर करा, मैं समझ गया सारी कहानी। सुनो मेरी बात, यो पुलिस वाला वहां पे गया होगा। हाय हाय, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर। हमारे समाज में कितनी शांति है ना। शांति है तो मैं क्या करूं? अरे हमें शांति तो ना चाहिए, चले केस बना दें। और वैसे भी रेड कलर नॉट अलाउड माय लाइफ, लाल रंग तो नफरत है मोह, लाल रंग देखते ही मेरे खून करने को मन कर रहा है, मैं तो मार दूं और तू मर जा। ओ अरे मैं क्यों मारूंगा बेचारी, मेरी तो बात कोई दुश्मन नहीं हुई। एक मिनट, अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, तुम वो पागल जान रहे हो क्या? बहुत देर होगी तुम्हारी सीतारामी है, अब मैं ऐसा काम करूंगा तुम पोपट की तरह मुंह खोलोगे, तो मैं तुम्हारी माँ का समय अगर सही ना बताओ तो, अगर तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी माँ संकट में आ जाएगी, और मैं ना चाहूं कि तुम्हारी माँ संकट में आवे। आई लव मम्मी। सर मम्मी कसम चढ़ानी है, कोई जरूरत नहीं है, कातिल कितना भी शातिर हो सबूत छोड़ ही देता है। वाह बेटा वाह, अब तुम कितना ही अपना मुंह बंद रखो लेकिन ये चक्कू अपना मुंह खोल लेगा, यहाँ पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स अपने मुंह खोलेंगे, यहाँ पे जाके भी उंगली के निशान मिले ना वो कातिल है, और वह कातिल है तो फांसी की सजा दुआंगो, काले पानी की सजा दुआंगो, धोले कुआ तक की सजा दुआंगो, साड़े बिल्कुल नहीं छोड़ूंगो। चल रे आ जा बेटा, अब बचियो, कहां तक बच लोगे तुम? भाई सच्ची सच्ची बताना, तुम सबने तुम्हारी मम्मी कसम है, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है ना भगवान कसम, ये वाला एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना। और भाई इस बार एम रख रहे हैं एपिसोड 1 पे 500,000 लाइक्स का, एपिसोड 2 तुम्हारी कसम छूट नहीं कर रखा भाई, 500,000 लाइक्स कराओगे तो एपिसोड 2 लेके आ जाएंगे, पता चल जाएगा किसने मर्डर करा किसने नहीं करा। 500,000 लाइक कंप्लीट करा दो, अपना फेवरेट पार्ट तुम्हें जो लगता कि भाई ये हो सकता खूनी कमेंट करके बता दो। और भाई एक और चीज, मेन चीज, अपग्रेड ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ अभी डाउनलोड कर लो।